आज की इस वीडियो में मैं बनाऊंगा ग्रेफिटी आर्ट बनाऊंगा। आप लोग कह सकते हो कि ज़ोंबी आर्ट पर इस वीडियो में बनाऊंगा। और इस ज़ोंबी में जो मैंने कलरिंग की है, कलरिंग का जो सारा प्रोसेस होगा ना, इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि कलर किस तरह फाइंड करने, कौन से कलर आपके आर्ट वर्क के साथ अच्छे लगेंगे, कौन से नहीं अच्छे लगेंगे, कैसे अपने कलर को बैलेंस करना है। अगर आपके कलर आप लोग रंग बिरंगी कलर कर देते हो, आपको पता नहीं कौन से कलर अपने आर्ट वर्क में करने, आसान सी एक टिप्स एंड ट्रिक दे दूंगा, वो आप लोग को बहुत काम आएगी। तो इंशाल्लाह वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, कुछ ना कुछ आप लोग को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे जो स्केच है वो मैंने पहले बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे जो ब्रश है वो मैं अपना कैलीग्राफी ब्रश वो यूज़ करूँगा। ठीक हो गया, कैलीग्राफी ब्रश ये पहले भी बताया कैसे बनाना है, सिंपल होता है, इतना मुश्किल नहीं है बनाना। तो इसकी जो वेरिएशन है वो मैंने अपने हिसाब से रख लिया, जो साइज है। ठीक, तो बाकी जो मेरा ब्रश है वो रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैं तीन चार वीडियो, मेरे ख्याल से दो तीन वीडियो मैंने बना के रखी हुई है कि कलर किस तरह करने हैं अपने आर्ट वर्क के अंदर, ग्रेफिटी आर्ट के अंदर। तो उनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को ये थंबनेल नज़र आ रहे होंगे इन दोनों के, और लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपके कलर ठीक नहीं है, आप लोग रंग बिरंगी कलर कर देते हो अपने आर्ट वर्क के अंदर, या आपको पता नहीं होता कौन से कलर करने, कौन से अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, तो आसान सी एक ट्रिक बताई हुई है, तो आप लोग जाके देख सकते हो वीडियोस को, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में भी वही चीज़ दोबारा बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पे ज़रा और डिटेल में मैंने बताया, ताकि आप लोगों को सीखने को मिल जाए कुछ ना कुछ। यहाँ पे जो वीडियो है वो 20-25 मिनट की मेरे ख्याल से वीडियो होगी, तो इस वीडियो को यार लास्ट तक ज़रूर देखना, कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोगों को सीखने को ज़रूर मिलेगा। कि 20-25 मिनट में मैंने आप लोगों को कहानियाँ तो नहीं सुनाई होंगी, कुछ ना कुछ तो बताया होगा यहाँ पे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बाकी जो इसका स्केच वाला प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली इसका बताऊँगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है स्केचिंग करना इस तरह आर्ट वर्क की। इसके स्टिकर डिज़ाइन हो गया, ऐसे भी कोई भी आप लोग आर्ट वर्क बनाते हो, फेस की स्केचिंग करना, वो तो खाली मैं खुद भी सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसकी बड़ी गेम है। ठीक, तो बाकी यहाँ पे जो कलरिंग वाला प्रोसेस है वो आपके साथ सारा शेयर करूँगा मैं, और यहाँ पे जो लाइन आर्ट है वो मैं एक ही लेयर पे कर रहा हूँ, क्योंकि लेयर के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पुरानी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बाकी जो ज़ोंबी की जो लुक होती है वो मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ, ड्रिपिंग इफेक्ट यहाँ पे ऐड किया, जो इसके टीथ हैं वो ज़रा ज़िगज़ैग मैंने बनाए हैं, ताकि ज़रा सा वो लगे ज़ोंबी टाइप लगे। ये भी आर्ट वर्क मैंने इंस्पिरेशन लिया है पिंटरेस्ट से, पिंटरेस्ट का मैं यूज़ करता हूँ। आप लोगों को भी बोलता रहता हूँ कि पिंटरेस्ट का यूज़ करा करो, वहाँ पे लोगों के आर्ट वर्क से आप इंस्पायर होकर खुद के आर्ट वर्क बना सकते हो, काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं पिंटरेस्ट से। ठीक, तो गूगल का यूज़ नहीं करा करो। बाकी इस पर एक अलग से वीडियो भी बना के रखी हुई है मैंने, तो जाके एक दफ़ा देख लो आप लोग। तो यहाँ पे जो उसके आई साइज़ है वो मैंने ज़ोंबी टाइप थोड़ी बड़ी बनाई है एक आई। ठीक, और इसके नीचे क्या कहते हैं ज़ोंबी इफेक्ट, ड्रिपिंग इफेक्ट इसकी आइस के अंदर मैंने ऐड की है। तो ये सारी चीज़ें ज़ोंबी में जो जो मुझे ठीक लगे मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक हो गया, बाकी इसके क्या कहते हैं जो इसका नेक वाला एरिया, वहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने ज़रा सा रिंकल्स टाइप ऐड किया, और इसके मगज़ है ब्रेन आप लोग कह सकते हो, वो मैंने यहाँ पे ज़रा इस टाइप का बनाया। अब यहाँ पे कलर की बारी आ गई। अब कलर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सारा एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को कलर के बारे में, क्योंकि ये वीडियो में डिटेल कलर का ही बताऊँगा, बाकी मैंने आपको लाइन आर्ट का इतना डिटेल में नहीं बताया। ठीक, तो यहाँ पे जो कलर है ना वो कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको पहले बता दूँ। सबसे पहले अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हो या दरमियाने में आ जाते हो, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो कलर है ना वो दूसरों के यूज़ करने हैं। अब दूसरों का कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बता देता हूँ। पहले सबसे पहले ये देख लो, ये वाला जो आर्ट वर्क है ना, ये मैंने उठाया है क्या कहते हैं पिंटरेस्ट से उठाया है। ठीक, अब यहाँ से मैं इसके अंदर से कलर पैलेट बनाऊंगा और अपने आर्टवर्क में इसको पुट करूंगा। सबसे पहले यार देखो, इसका मैं आपको समझा देता हूँ इसने कलर बैलेंस किस तरह किए, क्योंकि आप लोगों ने अपने कलर को बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि मिक्स कलर कर दिया, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टीथ के अंदर येलो कलर कर देता हूँ, किसी में ऑरेंज कलर कर देता हूँ, आँखों में रेड कलर कर देता हूँ, और बॉडी वाइट कर देता हूँ, मिक्स कलर कर देता हूँ, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि यार इसने बनाया है। और देखने में भी मतलब कि एक मैसी लुक समझते हो ना, बिल्कुल गिचमिच लगेगा कि यार ये क्या बना हुआ है, आप लोगों को भी देखने का दिल नहीं करेगा। तो इस टाइप का आप लोगों ने अपने आर्टवर्क में कलर नहीं करने के, रंग बिरंगी मिक्स जो दिल किया वहाँ पर कलर डाल दिया, वैसे कलर नहीं होते। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले यार देखो, ये जो आर्टवर्क, ये आसान तरीका है सबसे। ठीक, एक होता है ना, आप लोग गूगल पर जाके लिखते हो कलर पैलेट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, कलर पैलेट जनरेटर, इस टाइप के आपको कलर पैलेट मिल जाते हैं। अब आपको क्या पता कौन सा कलर कैसे यूज़ करना, ये व्हील शील आपको मिल जाएंगे, तो ये आपका मतलब कि सर दिमाग ही खाएगा। सबसे आसान तरीका क्या है पिंटरेस्ट से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसने कलर बैलेंस किस तरह किए हुए हैं। सबसे पहले देखो, इसने जो पिंक कलर है वो इसके बॉक्स पर किया हुआ है, और ऑरेंज कलर जो है इसने स्प्लैश में किया हुआ है। अब इसने ये नहीं किया
कि यहाँ पे इस वाले बॉक्स के अंदर मतलब कि यहाँ पे ऑरेंज कलर है, इस साइड पे कोई और कलर कर दे और ऑरेंज कलर थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे, ये जो है ना यहाँ से जो स्प्लैश निकल के जा रही है यहाँ पे ये पिंक कलर कर देता, यहाँ पे कोई और कलर कर देता, ऐसे इसने नहीं किया हुआ। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसने मतलब कि अगर यहाँ पे स्प्लैश कलर है ना ऊपर स्प्लैश में, मतलब स्प्लैश ही कहते हैं ना छींटे जो बोलती हैं, तो स्प्लैश कलर, स्प्लैश में इसने ग्रीन कलर किया है तो इसने सारे स्प्लैश में ग्रीन कलर किया हुआ। अगर बॉक्स में इसने ग्रीन किया पिंक किया है तो पूरे बॉक्स पे पिंक किया है। अब इसने देखो और कलर बैलेंस किस तरह करना था। अब यहाँ पे जो इसने डॉट्स लगाए हैं ना ये क्या कहते हैं ग्रीन कलर के, इसने यहाँ पे डॉट लगाए ताकि कलर मैच हो जाए। अब इसका आसान तरीका मैं आप लोग को समझा देता हूँ। अगर आपके आर्टवर्क में ना टीथ में अगर आपने वाइट कलर कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ पे इसी का देख लो यार, इसने जो टीथ है ना वहाँ पे वाइट कलर की है, तो ये नहीं कर सकता कि आंखों के अंदर रेड कलर कर दे, जो यहाँ पे इसने स्कल बनाया है ये ऑरेंज कर दे, और जो इसने ये मिल्क लिखा हुआ है ये ब्लू कलर का लिख दे, ऐसे नहीं होगा। अगर इसने टीथ में वाइट कलर की है तो इसने आइज में वाइट कलर करना है, इसने यहाँ पे जो स्कल बनाया है वहाँ पे वाइट कलर किया, और जहाँ पे मिल्क लिखा हुआ है यहाँ पे वाइट कलर इसने किया है, और ये जो एजेस पे आप लोगों को शाइन नज़र आ रही है ना एक तरह की लाइटनिंग, ये भी इसने वाइट कलर की है। कहने का मकसद ये है कि जो कलर आपने आर्टवर्क में यूज़ करोगे चाहे कोई भी कलर हो उसको किधर और भी यूज़ करना है। आई होप मतलब कि समझ गए होगे मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी पिंटरेस्ट पे ले चलता हूँ। पिंटरेस्ट पे ये वाला आर्टवर्क है, ये मैंने ओपन भी किया हुआ ये वाला। अब इसमें देखो कैसे कलर बैलेंस है, आप लोगों को देखने में भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत खूबसूरत बनाया है इसने और सिंपल है। ये नहीं कि इसने डिटेलिंग वाले शेडिंग यहाँ पे की हो, ये मास्कुलर डिज़ाइन में ग्रेफिटी आर्ट में आप लोगों ने डिटेलिंग वाली शेडिंग नहीं करनी होती, ठीक। पहली बात ये आप लोग समझ लो। यहाँ पे देखो इसने जो आर्टवर्क है ना वाइट कलर इसने खोपड़ी के अंदर किया हुआ है, ठीक हो गया। और वाइट कलर कहाँ पे किया हुआ है, इसने शूज़ के अंदर वाइट कलर किया है। हाँ, इसको पता है कि अगर यहाँ पे मैंने स्कल पे वाइट कलर किया है तो मुझे किधर और भी वाइट कलर ऐड करना है, तो इसने यहाँ पे शूज़ में वाइट कलर ऐड कर दिया। और कहाँ पे वाइट कलर ऐड कर सकता था, इसने यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर वो नज़र आ रहा है स्टिकर सब बनाया हुआ है, यहाँ पे इसने वाइट कलर किया है, ठीक। और इसने आइज़ के अंदर वाइट कलर किया है तो इसका कलर बैलेंस हो गया। और कैप के अंदर वाइट कलर किया है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलर, मतलब इसने ना 6 जगह वाइट कलर का यूज़ किया है। ग्लव्स के अंदर भी वाइट कलर यूज़ हुआ है, ठीक। अब इसने ऑरेंज कलर किया है और येलो कलर अपनी कैप के अंदर किया हुआ है ना, तो इसने येलो कलर अपने शूज़ के अंदर कर दिया है ताकि कलर बैलेंस हो जाए। ये नहीं कि कैप के अंदर इसने रेड कर दिया है और शूज़ के अंदर येलो कर दिया है और मतलब कि ग्रीन कर दिया है। ये जो रंग बिरंगी कलर होते हैं ना ये वहाँ पे अच्छे लगते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ज़रा सा वर्क हो, ठीक, बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन हुई हो, वहाँ पर ये रंग बिरंगी कलर अच्छे लगते हैं, ठीक। तो वैसे अगर आप जैसे यहाँ पर ये यूज़ हुआ है ना, इसमें रंग बिरंगी कलर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसमें भी बैलेंस हुआ हुआ कलर। कलर कैसे बैलेंस हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। वाइट कलर इस शार्क है, इसने अपने लोअर बॉडी पे वाइट कलर किया हुआ है, इसके जो स्प्लैश है यहाँ पे वाइट कलर हुआ है, और जो क्या कहते हैं पर्पल कलर है वो इसके यहाँ पे पर्पल कलर यूज़ हुआ है सारा इसकी बॉडी के ऊपर, और इसके जो माउथ के अंदर भी पर्पल कलर है इसने यहाँ पे बैलेंस कर लिया। ग्रीन कलर देखो कितनी जगह यूज़ हुआ है, मतलब कि ये नहीं किया कि इसने खाली वाइट कलर है वो खाली इसने दांतों में वाइट कलर कर देता बाकी जगह वाइट कलर यूज़ ही ना करता, तो ये आपका आर्टवर्क ख़राब लगता है, तो इससे आप लोगों ने बचना है, ठीक। तो ये देखो मैंने यहीं से कलर पैलेट उठाया है, मतलब कि मुझे ये अच्छा लगे तो ये मैं अपने आर्टवर्क में डाल दूंगा कलर पैलेट। बाकी एक और बता देता हूँ लास्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, ग्रेफिटी आर्ट लिखोगे जी यार, ग्रेफिटी आर्ट, ग्रेफिटी स्टिकर आप लोग लिखोगे ना, कुछ भी यहाँ पे लिखोगे ना, क्या कहते हैं ये अपने पिंटरेस्ट पे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक। कोई भी आप लोग की स्टिकर डिज़ाइन कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पे ये ज़ोंबी में ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे भी कलर पैलेट इसने मतलब कि बैलेंस किया हुआ है। बाकी काफ़ी सारे आपको यहाँ पे आर्टवर्क नज़र आ जाएंगे, ये इसमें कलर पैलेट बैलेंस होया हुआ है, ठीक, थोड़ा सा होया हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन अच्छा लग रहा है देखने में। और काफ़ी सारे मतलब कि आर्टवर्क हैं सब में कहीं ना कहीं कलर बैलेंस होया हुआ है, तो इस तरह आप लोग अपने आर्टवर्क में डाल सकते हो। मतलब कि कोई भी आप लोगों ने आर्टवर्क यहाँ से उठा लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा उठा है, हाँ ये वाला आर्टवर्क आप लोगों ने उठा लिया, ठीक, इसमें से आप लोगों ने ऑरेंज पिंक कलर निकाल लिया, ठीक, वाइट कलर निकाल लिया, और ये क्या कहते हैं येलो कलर निकाल लिया, ऑरेंज कलर निकाल लिया,
ठीक। तो ये निकालने के बाद अपने आर्टवर्क के अंदर आप लोगों ने देखना ये वाले कलर मैं कहाँ कहाँ पे कर सकता हूँ ताकि बैलेंस लगे मेरे आर्टवर्क। ठीक, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को निकालने का तरीका बता देता हूँ कि कलर पैलेट को किस तरह निकालना है आप लोगों ने, मतलब कलर पैलेट किस तरह बनाना है। तो यहाँ से सबसे पहले देखो बेस कलर कौन सा है, ये ग्रीन का बेस कलर दरमियान वाला है, वो कैसे, जो ऊपर वाला कलर है ये लाइट कलर है, लाइट कलर तो बेस कलर नहीं हो सकता। जो नीचे वाला कलर है यहाँ पे नज़र आ रहा है कर्सर जहाँ पे मेरा, ये डार्क कलर है, डार्क कलर भी बेस कलर नहीं हो सकता, ये दरमियान में जो है ना ये इसका बेस कलर है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा लिया, और जो इसका शेडो कलर है उसको भी मैंने पिक करके यहाँ पे साइड पे कर दिया, और जो इसकी ये नज़र आ रही है ना लाइट कलर ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये मैं क्या करूँगा, ये मैं यूज़ करूँगा इसके फेस के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा मैं इसको वहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक, और दूसरा जो पिंक कलर है, पिंक कहते हैं या पर्पल कह सकते हो उसको, तो पर्पल कलर मैंने यहाँ पे इसका बेस कलर निकाल के रख दिया। सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने आई ड्रॉपर को क्लिक करना है और यहाँ पे साइड पे आप लोगों ने निकाल लेना है। अब इसका शेडो कलर कैसे निकालना है, यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया है, शेडो कलर नीचे की तरफ आ जाओगे ना ये शेडो कलर आपको मिल जाएगा, तो ये शेडो कलर भी आप लोग इजीली निकाल सकते हो। ठीक, ऐसे किया मैंने और इसका वाइट कलर भी निकाल लिया। ठीक, इसी तरह अगर आप लोग कोई भी कलर पैलेट निकालना चाहो ना आप इसी तरह निकालोगे, सब में जितने भी आपको पिंटरेस्ट पे नज़र आएंगे ना सब में आपको शेडो भी मिल जाएगा, सारे कलर मिल जाएंगे। इसी तरह आप लोगों ने अपने आर्टवर्क के अंदर निकाल लेने हैं कलर। अब फॉर एग्जांपल ये वाला कलर है, ये ब्राउन कलर इसने खोपड़ी में किया हुआ है ना, इसका शेडो कलर आप लोग ढूंढो कहाँ पे, ये जो आपको कॉर्नर में नज़र आ रहा है ना ये इसका शेडो कलर है, उसका थोड़ा सा लाइट शेडो कलर ये है। ठीक, और रेड कलर का कहाँ पे, ये रेड कलर का बेस कलर आ गया, और ये जो साइड पे ना ये शेडो कलर है, इसी तरह आप लोग कर सकते हो। ठीक, और भी काफ़ी सारे आर्टवर्क हैं। अब ये वाला वाइट कलर है, वाइट कलर आप लोगों ने निकाल लिया, शेडो कलर ऐसे साइड पे होगा यहाँ पे, मतलब कि हर किसी न किसी आर्टवर्क में आपको जो कलर है वो आपको मिल जाएंगे, शेडो कलर लाइट कलर मिल जाएगा, तो इसी तरह आप लोग कर सकते हो। बाकी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं दो तीन, वो वाली वीडियोज़ भी आप लोग देख लो तो आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा, वहाँ पे भी कलर पैलेट किस तरह बनाना है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो कलर का प्रोसेस है वो मैंने स्टार्ट कर दी, जहाँ जहाँ पे मुझे वाइट कलर करना था मैंने वहाँ पे वाइट कलर की है, और जहाँ जहाँ पे मुझे ग्रीन कलर करना था ग्रीन तो इसके फेस के अंदर किए, बाकी लास्ट में ग्रीन कलर में चेंज करके ब्लू कर दूंगा, तो आप लास्ट में देख लेना वीडियो को। तो यहाँ पे अभी इसके जो ब्रेन के अंदर मैंने कर रहा हूँ जो कलर है ना वो पिंक कलर है, वो मैं इसके ब्रेन के अंदर कर रहा हूँ, या पिंक है या पर्पल आप लोग समझ लो जो कलर भी है, तो मतलब उसको मिक्स ही है कलर। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला कलर मैंने ऐड किया, और जो इसका ड्रिपिंग इफेक्ट है ना उसके अंदर भी मैंने ये पिंक कलर ऐड किया ताकि मैच कर जाए। ठीक हो गया, और बाकी जो क्या कहते हैं इसका नीचे वाला ड्रिप इफेक्ट है जो जुबान के टीथ के अंदर से ड्रिपिंग निकल के आ रही है वो भी मैंने पिंक कलर का किया है। ठीक, और जो इसका मतलब के डॉट्स मैंने ऐड किए ना वहाँ पे पिंक की है, ये जो आइज़ के नीचे आपको नज़र आ रहा है ये भी मैंने पिंक कलर में किए ताकि और कलर जो है बैलेंस हो जाए हमारा। तो इसी तरह आप लोग अपने कलर को बैलेंस करके चल सकते हो, थोड़ा सा पिंक अगर आपने कहीं पे अपने आर्टवर्क में ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हो, या कोई और कलर आप लोगों ने ऐड करना है आप लोग कर सकते हो, लेकिन कलर को मैनेज करके चलना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो जहाँ पे मुझे ठीक लगे थे वो मैंने यहाँ पे कलर कर दिए हैं। अब मैं इसका इन्वर्ट भी कर सकता हूँ, मतलब कि जो ऑरेंज है, जो पिंक पर्पल कलर है वो मैं इसकी बॉडी पे कर दूँ, और ग्रीन कलर इसके जो यहाँ पे मगज शगज है जो वहाँ पे ड्रिपिंग इफेक्ट है वहाँ पे कर लूँ, लेकिन ऐसे मैं नहीं करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहते हैं अभी शेडिंग का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा, तो यहाँ पे मैं पहले ये कर लूँ जो इसकी यहाँ पे ना क्या कहते हैं इसकी जो ये कॉलर है यहाँ पे हम लोग कौन सा कलर कर सकते हैं, वाइट कलर, वाइट कलर भी ठीक लगेगा, या फिर इसके अंदर वाइट कलर ठीक है यहाँ पे। ठीक, और कहाँ कहाँ पे कोई और कलर हो सकता है तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ठीक है यहाँ पे, और ब्लैक कलर ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक लेयर बना लूँगा मैं, ये जो लेयर शेयर वाला काम है ना ये मैंने पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा लेयर शेयर के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रीन कलर है ना हमारा उसका हम लोग शेडो कलर करेंगे। ठीक, अब शेडो कलर ये मैंने आपको निकाल के रखा हुआ था पहले से ही, और यहाँ पे मैं अभी शेडो कलर करूँगा। सबसे पहले मेन चीज़ आप लोग को बता दूँ, तो अपने आर्टवर्क के अंदर जो होता है ना ये ग्रेफिटी आर्ट हो गया, ये ज़ोंबी शोंबी बनाने, ग्रेफिटी आर्ट के अंदर ये सब कुछ आ जाता है, मास्कुलर डिज़ाइन के अंदर ये सारा कुछ आ जाता है, इनमें आप लोगों ने डिटेलिंग वाली कलरिंग नहीं करनी, पुरानी वीडियोज़ में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ दो तीन वीडियोज़ में, तो ये वाले काम आप लोगों ने नहीं करने के, वेक्टर आर्ट वाली डिटेलिंग यहाँ पे ऐड करने लग जाओ, इतनी हाई डिटेलिंग वाला नहीं करना होता है ये। ठीक, बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये ज़्यादातर होते हैं ना लोग प्रिंट करवाते हैं ना स्टिकर्स, तो ये उसमें आ जाता है, तो सब कुछ इसमें इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाना होता।
ठीक, सिंपल दो तीन कलर करने बहुत है। दो तीन कलर करने से मुराद ये है कि शेडोज़ में ना, अब मैंने ये ग्रीन कलर लिया ना, इसका मैं एक शेडो कलर डाल दूंगा और एक ये लाइट कलर डाल दूंगा, बस ख़त्म हो गया। ये नहीं कि मैं यहाँ पे शेडो कलर डालूँ, फिर थोड़ा सा लाइट शेडो, फिर थोड़ा सा लाइट डालूँ, जैसे वेक्टर आर्ट में हम लोग करते हैं, वैसा काम हम लोगों ने यहाँ पे नहीं करना। ठीक हो गया, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना था। तो बाकी अब यहाँ पे सबसे पहले जो शेडो है ना, वो यहाँ पे मैं डालता हूँ, और जो लाइट होगी ना, लाइट कलर, वो हम लोग इसके एजेस पे डालेंगे, जिसकी वजह से रिम लाइट जिसका होता है, जिसको बोलते हैं रिम लाइट, हम लोग ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा ग्लो ग्लो लगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग करेंगे। यहाँ पे मैंने इसका शेडो डाल दिया, क्योंकि गर्दन के नीचे हमेशा आप लोग शेडो कलर ऐड करो। ठीक, इसके कॉलर के अंदर वाली साइड पे मैंने शेडो डाला, क्योंकि जब आप कॉलर होता है वहाँ पे भी शेडो आपका आ जाता है। ठीक, या आप लोगों ने वहाँ वहाँ पे डालें जो आपको लगे यार, जैसे रियल लाइफ में होता है गर्दन के नीचे शेडो हमेशा होता है। ठीक, रियल लाइफ में भी आप किसी गर्दन देखोगे आपको शेडो नज़र आ जाएगा, मतलब कि थोड़ा बहुत आप लोगों को भी पता होगा कि अगर आपने कॉलर पहना है, कॉलर का शेडो साइड पे आ जाता है, और यहाँ पे आईज़ है, आईज़ के नीचे शेडो होता है हमेशा, आईज़ के नीचे हल्के जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी ज़ुबान में, तो वो भी शेडो में आ जाता है। ठीक, तो इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए और होगा भी पता कि बेसिक शेडो कहाँ पर ऐड करने हैं। अब यहाँ पर मैं ये ना देखता रहूँ कि यार यहाँ पर शेडो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मतलब कि अच्छा ये तो देखना है, यह ना देखता रहूँ कि यार किस साइड पे शेडो डालूं, वहाँ से स्टार्ट करूं, यहाँ से स्टार्ट करूं, मतलब कि अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, छोड़ो, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसका शेडो ऐड किया आईज के नीचे। ठीक, अब देखो शेडो ऐड करने से ज़रा सी ना डेप्थिंग आ जाती है, जिसकी मतलब के जो कि ज़रूरी है डेप्थिंग ऐड करना, ताकि 2D से आपका हल्का पुल्का 3D में आ जाए, जान सी आ जाए इसमें। ठीक, ये मैंने ऐड किया, और जो नोज वाली साइड पे यहां पे हम लोग ऐड करेंगे, अब देखो जो नोज़ है ना, नोज़ के जो नीचे वाला पार्ट मैंने जो लाइन लगाई है ना यहाँ पे, ये मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है ना इसका, ये वाला, ये सारा शेडो में आ जाएगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, तो ये लाइन मैंने इसलिए, क्योंकि लाइन लगानी वैसे भी ज़रूरी थी, क्योंकि थोड़ा सा डिटेलिंग में हमारा आर्ट वर्क लगे ना, बिल्कुल सादा आर्ट वर्क आपका ना लगे, तो इतना ठीक था। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा शेडो ऐड कर देते हैं, और जहाँ पे मैंने ड्रिपिंग इफेक्ट थोड़ा सा ऐड किया ना, इस पर भी हम लोग शेडो ऐड करेंगे। तो और यहाँ पे आइज के नीचे भी हम लोग और शेडो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है, और कहाँ पे हो सकता है ये जहाँ सारा जो ड्रिपिंग श्रिपिंग इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो बाकी मेरे ख्याल से इसमें इतना बताना नहीं था, क्योंकि अगर आपका भी आर्ट वर्क होता है जहाँ पे आप ड्रिप इफेक्ट डालते हो या छोटी मोटी ऐसी चीज़ें ना, तो वहाँ पे आप लोग ऐसे शेडो ऐड कर सकते हो। और जो इसका यहाँ पे ड्रिप इफेक्ट है ना, इसके नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे सारा शेडो आएगा। तो ये मेरे ख्याल से वीडियो को स्लो नहीं रखता, फास्ट कर देता हूँ मैं यहाँ से थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि ग्रीन कलर का मैंने आप लोग को बता दिया कहाँ कहाँ पर हो सकता है। आईज़ के अंदर आप लोग शेडो ऐड कर सकते हो, अगर आप लोगों ने कोई ह्यूमन का बनाया हुआ है तो, और गर्दन के नीचे ऐड कर सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है आपके आर्ट वर्क में कहाँ कहाँ पे अच्छे लगेंगे, तो आप वैसे कर सकते हो। बाकी मैंने आपको ये बताना था कि ज़्यादा घिचमिच नहीं बनानी, सिंपल सा शेडोज़ ऐड करने हैं। अब यहाँ पे देखें जो मैंने ग्रीन कलर है ना, वो सारा मैंने अपनी जगह पे कर लिया जहाँ जहाँ पे मुझे करना था। तो ग्रीन की जगह मैंने दूसरा कलर भी चेंज करके देखा, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ।
तो यहाँ पे जो मैंने कलर था ना वो मैंने एक दफ़ा चेंज करके देखा था, मतलब कि आपकी मर्जी होती है, आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी कर सको, लेकिन मैंने आपको भी बता दूँ वैसे मैंने कौन सा कलर करना था वो भी। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये सियान कलर बोलते हैं या इसको ज्ञान कलर बोलते हैं, जो अभी दफ़ा करो उसको क्या बोलते हैं, ठीक। ये यहाँ पे ठीक हो गया, और इसका मैं शेडो कलर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अलग अलग लेयर पे बनाने का ये फ़ायदा होता है ना। अब देखो मैं एक एक कलर को यहाँ पे पकड़ के चेंज नहीं करूँगा, आपको पता है कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप एक एक कलर को पकड़ के चेंज कर लो। अलग अलग लेयर पे हर कलर इसलिए बनाते हैं क्योंकि अब देखो ये सारा जो ग्रीन कलर ना डार्क शेडो, ये एक लेयर पे मैंने सारा किया हुआ है, ठीक, सारा एक लेयर पे किया हुआ। अब मैं क्या करूँगा, पूरी लेयर को सिलेक्ट करके इसका जो डार्क शेडो है वो निकाल के यहाँ पे इजीली पुट कर दूंगा, ठीक। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो, मतलब कि अलग अलग लेयर पे बनाने का ये मकसद होता है। ये नहीं कि आप लोग बोलो यार एक लेयर पे तो काम होता है सारा, तो एक लेयर पे मैं बना लेता हूँ। इन फ्यूचर आप लोग बोलो यार ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये वाला जो कलर है ये ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। तो बाकी आई थिंक ये ठीक लग रहा है, क्योंकि ये ज़रा सा ना ग्रीन जो है वो आंखों को ज़रा सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि जो ग्रीन कलर है ना वो ज़रा सा ज़ोंबी के साथ मैच करता है, लेकिन मुझे तो नहीं ठीक लगा ग्रीन, क्योंकि मेरा माइंड चेंज होता है। क्या पता अभी मैं फ़ोटोशॉप में इसको लेके जाऊँगा, फ़ोटोशॉप में ये कलर बिना रहे चेंज हो जाए, तो मेरे माइंड का कुछ नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं क्या कहता हूँ कि जो इसका ये वाला जो कलर है ना, ये जो उसने हम लोगों ने मगज़ में ये वाला कलर किया, इसको मैं चेंज करके क्या करते हैं ग्रीन कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से शायद अब अच्छा लगे। एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं ना, क्योंकि आप लोग ट्राई करते जाओ, जो आप लोगों को अच्छा लगे आपके आर्टवर्क में तो आप लोग वैसे कर सकते हो। तो ये अभी आप पे डिपेंड करता है, ठीक। ये हो गया, इसको भी मैं ये कर देता हूँ, और इसको भी ग्रीन, और ये ग्रीन मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है। तो बाकी फ़ोटोशॉप में जाके मैं आपको पता है एडिटिंग करता हूँ, तो वहाँ पे कलर का कुछ भी हो सकता है। बस आप लोगों को बताना, मकसद ये है कि आप लोग शेडो किस तरह ऐड कर सकते हो, कलर किस तरह फाइंड करके ऐड कर रहे हैं, ये चीज़ आपको बताने का मकसद है। ये बात समझ रखना, ये नहीं कि आप लोग बोलो यार ये कलर बार बार चेंज करी जा रहा है, हम लोग क्या करें। आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के कलर करने हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, पिंटरेस्ट से ढूंढ के अपनी मर्ज़ी के कलर करो, मुझको फॉलो नहीं करो, मुझको फॉलो तब करो जब आप लोगों को नहीं मतलब समझ आती यार ये कलर अच्छा लगेगा यहाँ पे। जैसे मैंने आप लोगों को तरीका बताया कितने ज़्यादा कलर करना चाहिए, कितने नहीं करना चाहिए, इस चीज़ में फॉलो करो। ये नहीं कि अभी ये मैंने किया है, आप लोग यही वाला कलर उठा के अपने आर्टवर्क में लगाओ, क्या पता वहाँ पर ये अच्छे ना लगें। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि ये मैंने खाली आप लोगों को यहाँ पे बेसिक बताने थे, बाकी आप पे डिपेंड करते हैं आप लोग कैसे कलर यहाँ पे करते हो। तो बाकी अब मैं इसके जो ऑरेंज कलर है ना, नहीं इसका जो पिंक पर्पल कलर है ना, इसके अंदर शेडो ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने सारे कलर्स है वो मैंने अपनी जगह कर लिया, इसके जो शेडोज़ है वो भी मैंने कर दिए। देखो वाइट का जो शेडो था वो ग्रे कलर होता है, वो मैंने यहाँ पे कर दिया सिंपल, ठीक। तो बाकी थोड़ी थोड़ी जगह पे रहता है वो मैं भी ये कर लेता हूँ, तो बाकी फ़िलहाल दफ़ा करो। तो अभी यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है ना वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी करना है। लास्ट स्टेप क्या है, वो है जी लाइटनिंग ऐड करना। लाइटनिंग आप कह सकते हो या वाइट टोन आप लोग कह सकते हो, वाइट टोन जो होती है वो आप लोगों ने ऐड लाजमी करनी है, ठीक। वाइट टोन कैसे होती है, आपको पता है कि अगर आपने ग्रीन कलर लिया ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया ना, तो मुझे ये वाला पसंद आया, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन की जगह ब्लू कलर है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ना। तो देखो ग्रीन का जो वाइट कलर था वो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था, तो अब यहाँ पे इसका वाइट कलर क्या होगा, ये जो ब्लू का वाइट कलर ना वो बिल्कुल वाइट के यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल, ठीक। तो ये मैंने बना के रखा हुआ पहले से, तो ये वाइट कलर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक। तो वाइट कलर से मुराद ये है कि इसका लाइट कलर ऐड करूँगा मैं। अगर ग्रीन होता ना, ग्रीन का लाइट कलर ये वाला जो मैंने बना के रखा हुआ था ये वाला मैं ऐड करता यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी कलर चेंज कर दिया है, तो ब्लू का मुझे वाइट वन ऐड करनी है तो वो मैं ऐड करूँगा, सही हो गया। सबसे पहले यार ये देख लो, रुको पहले मैं यहाँ पे जो इसकी आई है ना वो बना लेता हूँ।
हाँ ये ठीक हो गया। यहाँ पे ये मैंने वाइट कलर अभी ले लेता हूँ, ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक। ब्लू कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करूँगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे लाइट कलर आ जाते हैं, नीचे की तरफ डार्क कलर आ जाते हैं, तो मुझे जो लाइट चाहिए मैं यहाँ से ये लाइट ले लूँगा, ठीक। और ये आप लोगों ने ऐड कहाँ कहाँ पे करना है, ये कोशिश करो ना इसको एजेस पे ऐड करो, एजेस इसको बोलते हैं रिम लाइट बोलते हैं इसको, जो एजेस पे लाइट होती है ना इसको रिम लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एजेस पे ऐड करनी है, ठीक। अब ये नहीं कि पूरे एजेस पे ऐड कर लो, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखो जहाँ पे ज़्यादा शेडो है ना उसके ऑपोजिट साइड पे लाइटनिंग ऐड कर दो। मतलब कि मैंने यहाँ पे अगर शेडो ऐड किया है तो मैं यहाँ पे लाइटनिंग ऐड नहीं करूँगा, मैं इस साइड पे लाइटनिंग ऐड करूँगा। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो, बाकी आपको अगर जो ठीक लगे आप लोग वैसे कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे ऐसे हो गया, और डॉट भी ऐड कर सकते हो, ऐसे मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसी तरह आपने क्या करा, सारे जो होते हैं ना जो जो कलर भी आपने अपने आर्ट वर्क के अंदर ऐड किया हुआ ना उसकी लाइटनिंग ऐड कर लेनी है। मतलब कभी मैंने यहाँ पे पर्पल कलर भी ऐड किया हुआ है, पिंक कलर जो है। तो ये हमारा भी फाइनल रिजल्ट निकल के है, ये हमारा स्केच है और ये फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, जो जो मैंने आप लोगों को बताया कलरिंग किस तरह करनी है, कलर कहाँ से आप लोग पिंटरेस्ट से जाके ले सकते हो अपनी मर्जी के कलर, बैलेंस किस तरह करना है, ज़्यादा घिचमिच नहीं करनी, ज़िगज़ैग मतलब कि ये मैसी लुक में अपने कलर्स को नहीं बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।